हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्टफ़ बंस। तो चलती हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर फॉर्म में। तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून यीस्ट यानी खमीर। ये इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम गूंदेंगे ठंडे पानी से, क्योंकि गर्मियाँ हैं। इस वजह से अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं तो आप इसको नीम गर्म पानी से ही गूंदें। तो इसको मैं गूंद लेती हूँ। इसको हमने सॉफ्ट गूंदना है। मैं गूंद कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से गूंद लिया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। आपने इतना ही सॉफ्ट रखना है। अगर आपका जो डो है वो सख्त बनेगा, थोड़ा हार्ड होगा, तो क्या होगा कि आपके बंस भी हार्ड बनेंगे। आपका डो जितना सॉफ्ट होगा आपके बंस उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तब हम इसको 1 घंटे के लिए ढांक के रख देते हैं। मैंने लिया है 1 पाव चिकन और इसको मैंने बॉयल करके छोटा छोटा कर लिया है। मैंने ये हाथ से किया है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 अदद मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्ची। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्राउन ज़ीरा। साबुत मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मायोनीज़ इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1/2 कप। तो मायोनीज़ मैंने डाल दी है। बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा और कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं होगी। ये बहुत ही इजी स्टफिंग है जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ें यूज़ मैंने की हैं। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। स्टफिंग हमारी तैयार है। आप चाहें तो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं बॉयल करके। आप चाहें तो मायोनीज डालने से पहले आप इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे इस तरीके से तो आपको ज़्यादा मज़े के लगेंगे ये। आप चाहें तो इसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं। केचप डालने से इसका अलग ही मज़ा बन जाता है, लेकिन मैं सिर्फ मायोनीज़ के बना रही हूँ। इससे इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। आप ये बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम डो को देख लेते हैं, क्योंकि डो को गूंदे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि मैंने चिकन भी बॉयल किया और इसको फिर बारीक बारीक इसके छोटे छोटे से पीसेस भी किए, तो उसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम उसको निकाल कर देख लेते हैं। तो डो हमारा राइस हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा फिर हम 2 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बनी है वो अच्छे से निकल जाए। डो को 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से गूंद लिया है और इसको अच्छे से मैंने इसके अंदर से सारी एयर निकाल दी। और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। आपने इतना ही सॉफ्ट रखना है, तभी आपके बंस जो हैं वो सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े कर लेते हैं, छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। जितने साइज़ के आपको बंस चाहिए उतने साइज़ के आप बॉल्स बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने इनके बॉल्स बना लिए हैं, और 2 कप मैदे से तकरीबन हमारे 6 बॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं, और ओवन ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और इनको रख दिया। अब इसको हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, और उसके बाद हमने इसको बेक करना है। और ये ओवन ट्रे गंदी नहीं है, इसका कलर ही साइडों से इस तरह हो चुका है। ये बहुत दफ़ा इसमें बेकिंग कर करके इसका कलर इस तरह का हो चुका है। तब हम इसको देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम अंडा कोट करेंगे ब्रश की मदद से।
अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल और कलवंजी स्प्रिंकल कर दूंगी सारे बंस पे। तो अब हम इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ 30 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे अवन में। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट हो चुके हैं और मैंने अवन से निकाल लिए हैं हमारे स्टफ़ बंस और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। फ्रेंड्स, जब मैंने बन में फीलिंग की तो वो वीडियो मुझसे मिसप्लेस हो गई है। एडिटिंग करते वक्त जिस स्टेप पे हमने बॉल्स बनाए थे, आपने बॉल उठाना है, उसको प्रेस करना है, उसके अंदर आपने स्टफिंग रखनी है, उसको साइड से पकड़ के आपने ऊपर को लेके आके उसके बन की शक्ल दे देनी है। तो आपका बन तैयार हो जाएगा। खुदा हाफिज़।